हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज की डॉक्टर न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो। इस रमजान अपनी शॉपिंग को बनाइए और भी खास। आईटेक रिटेल्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं स्पेशल रमजान ऑफर्स, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ लेडीज इंडो वेस्टर्न सूट, कुर्ती, स्टोल, किड्स अपैरल, फैंसी एसेसरीज और भी बहुत कुछ। साथ ही हर परचेज पे पाइए अट्रैक्टिव गिफ्ट। तो इस रमजान एक बार जरूर विजिट कीजिए आईटेक रिटेल्स, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, चाविंद्रा, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। कामगार के ऑफिस लेटर में मजदूरों पर धारदार हथियार से हमला। भिवंडी गणेश नगर कामगार के रहने वाले नितिन नवले अपने दो साथियों के साथ गोदाम से काम कर वापस लौट रहे थे। शाम 7 बजे के दरमियान प्रस्थान कम्पाउंड रेलवे पुल के पास पहुंचने के बाद पुराने विवाद के कारण घात लगाकर बैठे शुभम झा, हर्ष मिश्रा, गणेश और अज्ञात ने तीनों मजदूरों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों में शामिल हर्ष मिश्रा ने नितिन नवले के सिर पर कोयते से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नरपोली पुलिस इन चारों के खिलाफ कड़ी मामला दर्ज। 1,70,000 रुपए की बिजली चोरी का मामला दर्ज। ट्रेनबोर कंपनी के सतर्कता विभाग की टीम ने पूर्णा गांव के घर क्रमांक 85 में छापा मारकर प्रभात को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा, जो अपने आर्थिक फायदे के खातिर बिजली तार से अवैध कनेक्शन का पिछले एक साल में 5,796 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हुए 1,70,657 रुपए की बिजली चोरी की। शांतिनगर पुलिस ने इस मामले में प्रभाकर के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कर रही जाँच। कपड़ा फैक्ट्री ढहने से 3 मजदूर घायल। भिवंडी शहर के फंडोली नगर इलाके में कपड़ा फैक्ट्री में सुबह सुबह अचानक छत ढह गई, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और भिवंडी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे 3 मजदूर घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल भेजा। साथ ही पुलिस कर रही है पूरी घटना की जाँच। ट्रांसपोर्ट कंपनी में दिन दहाड़े बदमाशों का हमला। भिंडी कामतगर के रहने वाले राजकुमार अंजुर फाटा मेघधारा बिल्डिंग स्थित एक्सेल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। कल सुबह 10 बजे के आसपास अक्षय पाटिल अपने 3 साथियों के साथ कंपनी में जबरन घुस आया और राजकुमार से पैसे देने की मांग करने लगा और पैसे देने से इनकार करने पर नाराज होकर राजकुमार को बल भर मारा और अपहरण कर कशेली पुल के पास ले गए और वहां उसके पास से जबरन 30,000 रुपए भी छीन लिए। नरपोली पुलिस इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है जाँच। 24 घंटे में लुटेरे हुए गिरफ्तार। 26 मार्च को सुबह 6 बजे के करीब मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी थाना बाईपास रोड पर ट्रक ड्राइवर टायर चेक करने नीचे उतरा था। इसी मौके का फायदा उठाकर 4 लुटेरों ने ट्रक ड्राइवर से मारपीट की और सिगरेट का चटका भी दिया और क्लीनर और ड्राइवर के पास से 4,660 रुपए नकद, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि सामान जबरन चोरी कर फरार हो गए थे। ट्रक ड्राइवर ने कोनगांव पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया और उनके पास से मुद्देमाल किया बरामद। मटका जुआर अड्डे पर पुलिस का छापा। भिवंडी वेलकम होटल के पास मटका जुआर अड्डा शुरू होने की जानकारी शांतिनगर पुलिस को मिली। पुलिस ने कई अड्डे पर छापेमारी कर 3 लोगों को मटका जुआर खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही शांतिनगर पुलिस सिपाही रोशन की शिकायत पर तीनों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआर कायदा कलम 12 के तहत मामला दर्ज किया गया। रोहित शर्मा के आउट होने पर जश्न मनाने वाले बुजुर्ग पर 2 लोगों ने डंडे से किया हमला, हुई मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुधवार को कुछ लोग टीवी पर आईपीएल मैच देख रहे थे, तभी रोहित शर्मा के आउट होने पर मैच देख रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग बंधुवन तिबिले ही खुशी मनाई, जिसके बाद वहां पर बैठे 2 युवकों ने उनको डंडे से इस कदर मारा कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है मामले की जाँच। क्या शादी के बाद पति का सरनेम लगाना जरूरी है? एक बहादुर महिला ने केंद्र मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश सूचना को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई विवाहित महिला अपना पहला सरनेम बरकरार रखना चाहती है तो उसे तलाक की डिग्री की एक प्रति या अपने पति से एनओसी जमा करनी होगी, जिसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर वो अपने पहले सरनेम का उपयोग करती है तो। ज्ञान रवि मस्जिद परिसर के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञान रवि परिसर के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान रवि के तहखाने में पूजा पर रोक लगवाने से मना कर दिया, साथ ही आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है। आज सेंसेक्स 363 अंकों की बढ़त के साथ 74,014 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 135 अंकों की बढ़त के साथ 22,462 पर हुआ बंद। गोल्ड 68,400 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 75,714 और क्रूड ऑयल 6,913 पर ट्रेड करते हुए।